है कि आप ग्रंथों में देख लें, पुराणों में देख लें, आप उठा के देख सकते हैं, पुराण में भी पढ़ सकते हैं, गीता में भी पढ़ सकते हैं आप, कि किन्नर जो जाति है वो अर्धनारी की जाति है और वो शंकर, तो ये झूठी अफवाह है कि हाँ किन्नर लोग शादी करते हैं। दूसरी बात, हाँ किन्नर प्यार करते हैं, ये सच है। इज्जत चाहिए, आप लोग कृपया किन्नरों की इज्जत करें। और नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है नीरज मौर्य निर्भीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देहाती इन्फॉर्मर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे समाज के बारे में जिसे लोग अपनी भाषाओं में किन्नर, हिजड़ा, छक्का, न जाने क्या क्या बोलते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं शायद आपको नहीं पता होगा, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी घर में कोई शुभ काम हो जैसे कि शादी, मुंडन, तीज त्यौहार, बच्चे के जन्म आदि, सभी में किन्नरों को बुलाया जाता है। मान्यता यह भी है कि शुभ काम के दौरान आए किन्नरों को दक्षिणा देनी चाहिए। मान्यता यह भी है कि किन्नरों से मिलने वाली दुआओं में बहुत असर होता है। किन्नर जिस भी चीज के लिए आशीर्वाद दे दें वह निश्चित फलित होता है। किन्नरों से जुड़ी ये वो आम बातें हैं जो अमूमन तौर पर सबको पता नहीं होती है, लेकिन आज हम आपको कुछ विशेष बताने जा रहे हैं। बताया जाता है दोस्तों कि किन्नरों के पास कुछ खास शक्तियां होती हैं जो सभी को नजर नहीं आती हैं। किन्नरों पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से किन्नर अपनी मृत्यु तक का आभास कर लेते हैं। तो दोस्तों आइए आपको बताते हैं इसके पीछे की सच्चाई के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि सनातन धर्म में मरणासन्न किन्नर को दिव्य बताया जाता है, यानी कि एक जीवित किन्नर की दुआ जितनी व्यक्ति को लगती है उससे 100 गुना अधिक दुआ एक ऐसे किन्नर की लगती है जो मरने की स्थिति में हो। ऐसा बहुत कम होता है कि किन्नर मरते समय दुआ दें, लेकिन अगर दे दें तो सौभाग्य जाग उठता है। सनातन धर्म के अनुसार किन्नर में स्त्री और पुरुष दोनों तत्व होते हैं और दोनों तत्व एक शरीर में होने के कारण वह कई दिव्य शक्तियों से सशक्त होते हैं। इनके भीतर मौजूद इंद्रियां सामान्य व्यक्ति के मुकाबले साधना के लिए कहीं अधिक सक्रिय होती है। यही कारण है कि अपनी मृत्यु का आभास कर लेते हैं। हालांकि ऐसा सभी किन्नरों के साथ संभव नहीं है, मात्र वो किन्नर भगवान की साधना करते हैं, पूजा करते हैं और तप करते हैं जो उन्हें ही भगवान शिव की कृपा से यह सिद्धि प्राप्त होती है। वह न सिर्फ अपनी मृत्यु का आभास कर सके बल्कि अपनी मृत्यु का सटीक समय और तिथि भी जान पाए। मान्यता है कि किन्नर को जब अपनी मृत्यु का एहसास होता है तो वह कहीं भी आना जाना, खाना खाना बंद कर देते हैं। वह ईश्वरीय पूजा पाठ में जुट जाते हैं और अगले जन्म में किन्नर न बनने की प्रार्थना करते हैं। एकमात्र किन्नर समुदाय ही है जिनमें रात के समय अंतिम संस्कार किया जाता है। किन्नरों का यह नियम होता है कि किन्नर की मृत्यु और उसका अंतिम संस्कार किसी बाहरी को देखने की अनुमति नहीं होती है। इसी कारण यह रात के अंधेरे में सबसे छुपकर किन्नर समुदाय के व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं। अगर किसी ने मृतक किन्नर को देख लिया तो वह अगले जन्म में फिर किन्नर बनता है। मृतक किन्नर को चप्पल से पीटने की भी प्रथा है। किन्नर समाज में किसी की मृत्यु पर शोक नहीं बल्कि उसकी आजादी के रूप में जश्न मनाया जाता है। तो इस तरह किन्नरों को पता चलता है अपनी मृत्यु के बारे में। अगर हमारी स्टोरीज दोस्तों आप लोगों को अच्छी लगे तो आप कुछ सवाल अगर आपके हों तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सवाल कर सकते हैं, हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर दीजिए। ऐसा ही अन्य स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करके अपना सपोर्ट बनाइए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।